आप एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा, उसमें चिल्ला चिल्ला के अकबरुद्दीन अवैसी ये बोल रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के है। मैं अकबरुद्दीन अवैसी से सवाल करना चाहता हूं, पुराना पुल के कारपोरेटर राजमोहन जो एक वक्त बीजेपी के कारपोरेटर थे, वो आज जो है एमआईएम में शामिल होके एमआईएम का खंडवा डाल लिए तो वो पूरे पापा धो लिए ऐसा। ठीक उसी तरह कोई भी पार्टी में करप्शन करके जिसके ऊपर कितने भी बड़े एलिगेशंस लगो, अगर बीजेपी का खंडवा डाल लिए तो वॉशिंग मशीन में धोए ऐसा रहता। ये बीजेपी और बीआरएस और ये एमआईएम, मोदी, मिनी मोदी, मोदी इन मास्क, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी, आप बोल रहे के रेवंत रेड्डी जी को भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास आके खसम खाओ बोल रहे कि मैं आरएसएस का नहीं हूं बोल के। बिल्कुल रेवंत रेड्डी जी भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास आके खसम खाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप दोनों भाइयां असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी दोनों मिलकर मक्का मस्जिद के पास कुरान उठा के खसम खाने के लिए तैयार है कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं और मैं जो है ओपनली बीआरएस की जो है ना दलाली कर रहा हूं। इससे साफ जाहिर हो रहा, परसों असदुद्दीन अवैसी बोल रहे थे कि जो है जहां जमात है वहां जमात को ओढ़ दियो, जहां जमात नहीं है वहां मामू को ओढ़ दियो। कई को देना भाई भैया मामू को ओढ़ तुम्हारे, नहीं मामू से नक्टा मामू सही कहते। मामू कौन? केसीआर इनका मामू, उसकी नाक बहुत अच्छी दिख रही इनको। कई को बीआरएस को ओढ़ देना मुसलमान, आठ मजीदा शहीद करे बल्कि देना। कई को बीआरएस को ओढ़ देना मुसलमान, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से मुसलमानों को लोन नहीं देके धोखा दिया बल्कि देना। कई को देना मुसलमान वोट बीआरएस को, 12% रिजर्वेशन नहीं दिया बल्कि देना। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, इधर तरफ केसीआर और केटीआर, ये चारों जो है ना बुखलाट का शिकार हो चुके। अवाम जो है 10 साल का जो दौरे इख्तदार देखे, वो दौरे इख्तदार में इन्होंने सिर्फ बीआरएस पार्टी ने करप्शन किया और नरेंद्र मोदी की हर पास कर हर बिल को 29 स्टेट्स में, यह पहला स्टेट है जो केसीआर ने सबसे पहले सपोर्ट करा। नरेंद्र मोदी तो परसों महबूबनगर के जलसे में क्लियर कर दिए, उन्होंने कहा कि जो है कारपोरेटर इलेक्शन के बाद केसीआर मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि मैं केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, मैं एनडीए में शामिल होना चाहता हूं। और क्या सबूत चाहिए? इसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी एक मुसलमान कौम को शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाके जो है ना इन्होंने धोखा दिया। और आज जो है मामू को वोट डालो बल्कि बीआरएस को वोट डालने के लिए फिर दलाली करना शुरू कर दिए। इलेक्शन आने आते फाउंडेशन स्टोन लगाना, मल्टी लेवल पार्किंग का जो है 2011 में फाउंडेशन स्टोन था, फिर कल जो है ना असदुद्दीन अवैसी फाउंडेशन स्टोन लगाए। कभी तो भी कोई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करे, आईटी टावर बोल रही, ये आईटी टावर 5 साल पहले करना था, अब तक कंप्लीट हुआ था। आप नहीं चाहते कि जो है पुराने शहर के अंदर डेवलपमेंट हो, आप पुराने शहर के अंदर यह समझते कि मैं ड्रेनेज लाइन इनॉग्रेशन करा, मैं रोड इनॉग्रेशन करा तो यही डेवलपमेंट है समझते। हमारे मुसलमान नौजवान जो पुराने शहर के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी रोजगारी के लिए तुम क्या करे बोलो? डेवलपमेंट के ऊपर तुम क्या करे? हेल्थ के इश्यूज के ऊपर तुम ना क्या करे? वही दो हॉस्पिटल, झूठे बातें। असरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी होती बोलते, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके बोलते कोई ऐसा हॉस्पिटल तुम्हारे एमएलए बनाए
हम हैदराबाद के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां पे 500 रुपए में डिलीवरी होती, बोलते निकाल के देखो सोशल मीडिया के अंदर अवेलेबल है। तुमसे हिम्मत है केसीआर से सवाल करने की? 8 मजीने क्यों शहीद हुए? आप बोल रहे कि जो है बाबरी मस्जिद शहीद हुई, नहीं बनाए, सेक्रेटेड की मस्जिद शहीद हुई, हमारे केसीआर बना दिए बोल रहे। और जो है असेंबली के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी ये बोलते कि हमारे चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने एमआईएम की क्यादत के ऊपर सेक्रेटेड की मस्जिद बना बोल रहे। शर्मानी चाहिए अकबरुद्दीन अवैसी तुम्हार को। मुसलमान हैदराबाद के धरना दिए, रोडों पे निकले, केसा बुक कर लिए, लाठियां खाए, 1 मिलियन सिग्नेचर करे, इसके बाद जो है सेक्रेटेड की मस्जिद फिर दोबारा बनी। आप में अगर हिम्मत है तो और 7 मस्जिदों को सवाल करो केसीआर से। आप नहीं करते, आप सिर्फ एजेंटगिरी कर रहे हैं। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से यह अदबन गुजारिश करता हूं कि जो है केसीआर के हो या केटीआर के हो या फिर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के चिकने चपाटे बातों में आने की जरूरत नहीं है। और आज जो है सोशल मीडिया के जरिए तमाम नौजवान जो है ये तमाम शोर बेदार हो चुके हैं, अब वो आपके झांसे में आने वाले नहीं है। डेफिनेटली इस बार जो है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया है, उस नारे को लेकर तमाम नौजवान आज उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप नहीं चाहते कि जो है रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में रहे, आप चाहते कि जो है ना इनको आरएसएस बोल के ना बीजेपी चले आना, ताकि तुम इनके नाम पे फिर रोटी सेकना और मुसलमान के वोट लेके हिंदुस्तान के अंदर पूरे मुसलमानों को तबाह ताराज करना। एक कोई ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो रेवंत रेड्डी जी ने मुसलमानों के खिलाफ बात किया है। उन्होंने क्लियर किया कि मैं जो है एबीवीपी था, मैं देखा कि जो है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी लोगों को तोड़ने की है, एक मजहब से दूसरे मजहब को लड़ाने की है, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की है। मैं इसीलिए उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, उस आइडियोलॉजी को मैंने छोड़ के रिजाइन करके मैंने सेकुलर आइडियोलॉजी में ज्वाइन हुआ।